हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग मैथ्स कुकीज विद मी सारिका। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज 12.1। ओके जी, क्वेश्चन नंबर टू क्या शो कर रहा है हमें? आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यानी आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको टर्म्स और उनके फैक्टर्स आपको एक्सप्रेशन में से निकालने हैं। और साइड बाय साइड कह रहा है शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम के थ्रू आपको ये फाइंड आउट करना है। अच्छा, ट्री डायग्राम का मतलब ये नहीं है कि आपने ट्री बना देना है। ट्री एक रिप्रेजेंटेशन के रूप में आपको बताया है। तो यहाँ मेरे पास है फर्स्ट एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ मेरे पास टर्म देखो क्या बनी, माइनस है ना, तो पहली टर्म बनेगी एक्स और दूसरी टर्म बनेगी थ्री। तो अब इसको ट्री से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये मेरे पास आ गया ट्री। यहाँ मेरे पास दो टर्म बन रही है, इसलिए हम इसकी ब्रांचेस बना देंगे दो टर्म के लिए। तो पहली आ जाएगी एक्स और दूसरी आ जाएगी थ्री। नहीं, तो थ्री से आगे मैंने आपको कहा था जब हम अपनी टर्म्स सेपरेट कर रहे हैं, तो जब हम सेपरेशन करेंगे तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, उसका साइन। तो यहां मेरे पास आ जाएगा एक्स एंड माइनस थ्री। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई टर्म्स। और फैक्टर क्या बनेंगे इसके? फैक्टर इसके क्या बनेंगे? यही बनेंगे फैक्टर। इसका बनेगा वन और इसका बनेगा माइनस थ्री। तो यहां मेरे पास इसका फैक्टर बनेगा वन एंड एक्स। वन और एक्स कैसे बने कि अगर एक्स के आगे अगर कुछ नहीं है वेरिएबल के आगे, इट मीन्स वहां पर क्या बन रहा है, वन बन रहा है। और माइनस थ्री का तो क्या बनेगा, माइनस थ्री का माइनस थ्री बनेगा। तो मेरे पास आ गए फैक्टर्स, आ गए वन और एक्स एंड माइनस थ्री। जिस भी वेरिएबल के आगे अगर कोई भी न्यूमेरिक नंबर नहीं है, न्यूमेरिक कोफिशिएंट नहीं है, इट मीन्स हम वहाँ यूज़ क्या कर रहे हैं, वन यूज़ करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ मेरे पास कितनी टर्म है, दिस इज द ट्राइनोमियल। और हमारे पास अलग अलग क्या है, अलजेब्रिक हमारे पास क्या है, अलग अलग वेरिएबल है, तो इसलिए हमारी ये बनेगी ट्राइनोमियल। तो यहाँ मेरे पास तीन टर्म्स हो गई, पहली एक्स, दूसरी एक्स, सॉरी पहली वन एक्स एंड एक्स स्क्वायर। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे, हम तीन ब्रांचेस बना लेते हैं। ये ब्रांचेस बन गई मेरी, पहला मेरा बन गया वन, सेकेंड मेरे पास हो गया एक्स, प्लस का इसलिए कोई साइन की जरूरत नहीं है, एक्स नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या बन गई, टर्म्स बन गई। अच्छा, ये ही मैंने यहाँ लिख दी, ये क्या है मेरे पास टर्म्स और ये क्या है मेरे पास फैक्टर्स। ठीक है, इसको आप ऐसे शो करेंगे। नेक्स्ट है मेरे पास, यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, ये है मेरे पास टर्म्स, तो हम इनको एज अ टर्म यूज करेंगे। अब हम फैक्टर बनाते हैं, वन का फैक्टर तो वन ही रहेगा, तो अब हमारी क्या बारी है, फैक्टर लिखने की बारी है। तो वन इज वन, एक्स के लिए क्या यूज करेंगे, वन और एक्स। ठीक है, क्योंकि एक्स के आगे कुछ नहीं है, न्यूमेरिक कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए हम वन यूज करेंगे, तो वन एंड एक्स। अच्छा, पहले इसको देख लेते हैं, इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं, एक्स स्क्वायर के अभी आगे कोई न्यूमेरिक कोफिशिएंट नहीं है, इसीलिए हमारे पास बनेगा वन, फिर एक्स स्क्वायर को हमने फर्दर आगे सेपरेट करा तो एक्स एंड एक्स। तो ये मेरे पास तीन फैक्टर यहाँ से निकल के आते हैं। दूसरा मेरे पास बनता है वाई माइनस वाई क्यूब। क्यूब का मतलब थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ मेरे पास दो टर्म बनी y और y3। तो यहाँ मेरे पास हम दो ब्रांचेस बनाएंगे, पहले लिखेंगे हम y और नेक्स्ट में लिखेंगे माइनस y क्यूब। ये मेरी क्या है, ये मेरे पास बन गई टर्म्स। और अब हम बनाएंगे फैक्टर्स। तो y का फैक्टर क्या बनेगा, वन एंड y, क्योंकि y से पहले कोई भी न्यूमेरिक कोफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ से बनेगा, यहाँ पर भी कोई न्यूमेरिक कोफिशिएंट नहीं है, लेकिन y जो है वो थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस वन, क्योंकि y से पहले माइनस है, इसीलिए माइनस वन, माइनस वन से मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस वन वाई वाई एंड अगेन y। ठीक है, तो ये मेरे फैक्टर्स बन गए। d पार्ट में देखते हैं, 5xy² माइनस 7x² माइनस वाई। यहाँ हमारे पास तीन हमारे पास टर्म आ रही है, और ये मेरे पास थी 5xy², नेक्स्ट है मेरे पास प्लस 7x² y। ठीक है, प्लस x square y प्लस 7x²
y, ये टर्म थी मेरे पास। तो ये टर्म के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दो टर्म है सॉरी, तो यहाँ हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहली टर्म बनी मेरे पास 5xy² और नेक्स्ट बनेगी 7x² y। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ सिंगल x है, यहाँ डबल x है, यहाँ डबल y है और यहाँ पर सिंगल y है। तो ये मेरी क्या बनी है, ये मेरे पास बनी है टर्म्स। और अब हम निकालेंगे फैक्टर्स। तो यहाँ पर देखो क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर मीन्स वाई मल्टीप्लाई बाय वाई। तो यानी कितने फैक्टर हो गए, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ हम कितनी ब्रांचेस बनाएंगे, 4 ब्रांचेस बनाएंगे। पहला 5 एक्स वाई एंड वाई, तो ये इसके फैक्टर बन गए। नेक्स्ट है मेरे पास 7x² y, तो यहाँ मेरे पास क्या फैक्टर बनेंगे, 7x स्क्वायर है ना, तो x और x एंड y, अगेन 4 फैक्टर बनेंगे। तो हम यहाँ इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दिस इज 7x x एंड y। तो ये मेरी क्या हो गई, ये मेरे बन गए फैक्टर्स। नेक्स्ट है हमारा e पार्ट, e पार्ट है मेरे पास माइनस ए बी प्लस 2b² माइनस 3a² ठीक है, ये है हमारे पास, ये भी हमारा क्या है, ट्राइनोमियल है। तो यहाँ हमारे पास तीन टर्म है, 1, 2 और 3, तो यहाँ हमारे पास तीन ब्रांचेस बनेंगी, 3 ब्रांचेस आ गई, दैट इज माइनस ए बी 2b² माइनस 3a² दीज आर द टर्म्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास फैक्टर्स, तो यहाँ मेरे पास फैक्टर्स निकल के आएंगे, क्या निकल के आएंगे, माइनस ए बी का आएगा आपके पास माइनस 1 a एंड बी। माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ए बी वेरिएबल के आगे कुछ नहीं था इसलिए 1 लगाना था। नेक्स्ट है 2b², यहाँ मेरे पास निकल के आएगा न्यूमेरिक कॉफिशियंट ऑलरेडी है, तो 2 और बी स्क्वायर है, इट मीन्स बी एंड बी। ठीक है, ऐसे यहाँ हमारे पास आएंगे 3, पहले हमारे पास है माइनस 3, तो एक कोफिशियंट सॉरी एक हमारे पास फैक्टर ये हो गया। नेक्स्ट ए स्क्वायर है, तो यानी ए एंड ए, तो ये मेरे पास आगे इसके क्या आई है, फैक्टर्स आ गए। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे आपको आता जाएगा। अब हम बी पार्ट की तरफ चलेंगे, इसी का जो सेकेंड पार्ट है। ओके, सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द गिवन एक्सप्रेशन गिवन बिलो, जो आपके पास नीचे आपके पास कई सारे एक्सप्रेशन दे रखे हैं। पहले हमने फैक्टर ट्री से निकाला था, अभी हम सिंपल निकालेंगे। तो सिंपल में भी वही चीज़ करनी है, फैक्टर ट्री में बस हम ब्रांचेज बना के करे थे, यहाँ हम ब्रांचेज नहीं बनाने हैं, मैंने टेबुलर फॉर्म में करा है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है मेरे पास माइनस 4x + 5, तो इसमें टू टर्म्स है, माइनस का 4x और 5, तो यहाँ लिख लेते हैं माइनस 4x एंड 5, ये टू टर्म्स बन गई। अब माइनस 4x के फैक्टर्स क्या बनेंगे, हमारे पास बनेंगे माइनस 4 और x, और 5 का क्या फैक्टर रहेगा, वो तो 5 ही रहेगा, तो ये मेरे फैक्टर्स बन गए। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं माइनस 4x + 5y, यहाँ पर भी हमारे पास टू टर्म्स बन रही है, कौन सी बन रही है, माइनस 4x एंड 5y। अब माइनस 4x के क्या फैक्टर्स बनेंगे, हमारे पास बनेंगे माइनस का 4 एंड एक्स, और अब 5y के क्या बनेंगे, 5 एंड वाई। ठीक है, तो ये मेरे पास फैक्टर्स बनते आ रहे हैं। नेक्स्ट है मेरे पास 5y + 3y², तो यहाँ पर भी दो टर्म्स हैं, पहली टर्म है मेरे पास 5y और नेक्स्ट है मेरे पास 3y². ठीक है, तो 5y के लिए फैक्टर बन जाएंगे 5 एंड वाई, और 3y के लिए बन जाएंगे 3y² है इसलिए 2 टाइम्स हम y लिखेंगे, 3y एंड y। नेक्स्ट है मेरे पास xy + 2x² y², तो यहाँ दो टर्म है हमारे पास, पहली टर्म है xy और नेक्स्ट टर्म है मेरे पास 2x² y², तो xy के फैक्टर बनेंगे, x और y बनेंगे, और 2x² y² के बनेंगे x² में इसलिए 2 टाइम्स x एंड y भी 2 टाइम्स, तो यहाँ बन जाएंगे 2x x और y के लिए y एंड y। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास PQ + Q, यहाँ पर भी 2 है, 2 टर्म्स हैं, तो पहली टर्म है मेरे पास PQ और सेकंड टर्म है मेरे पास Q, तो PQ के फैक्टर बनेंगे P एंड Q, और नेक्स्ट टाइम जो Q है वो भी हमारे पास क्या बनेगा, Q ही बनेगा, सिंपल ये आ गया आपका Q।
ठीक है, नेक्स्ट वाला एफ पार्ट है 1.2 AB माइनस 2.4 BB प्लस 3.6 A। घबराना नहीं है, डेसिमल आ गया तो कुछ नहीं हुआ, आगे वाला जो न्यूमेरिक कोफिशिएंट है एज इट इज ही रहता है। तो यहाँ पर मेरे पास तीन टर्म हो गई, 1.2 AB माइनस का 2.4 BB एंड माइनस 3.6 BB। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 1.2 AB। नेक्स्ट है मेरे पास 2.4 BB, उससे पहले साइन देख लो किसका है, माइनस 2.4 BB, और नेक्स्ट है मेरे पास 3.6 A। तो 1.2 AB के फैक्टर बनेंगे 1.2 A एंड B, माइनस 2.4 BB के बनेंगे माइनस 2.4 एंड B। ठीक है, और 3.6 A के बनेंगे 3.6 A। तो नेक्स्ट है मेरे पास डी पार्ट 3/4x प्लस 1/4। तो ये अब की बार हमारा फ्रैक्शन में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो है, तो उससे हमने कुछ देखना नहीं, हमने अपने टर्म्स को देखने हैं। यहाँ भी मेरे पास टू टर्म्स हैं, दैट इज 3/4x एंड 1/4। तो यहाँ इसके क्या आपके फैक्टर आ जाएंगे, पहला आ जाएगा 3/4x और सेकेंड फैक्टर आ जाएगा 1/4। नेक्स्ट है मेरे पास 0.1 P² प्लस 0.2 Q² तो यहाँ पर भी दो ही टर्म है, तो फर्स्ट टर्म है 0.1 P² एंड सेकेंड टर्म इज 0.2 Q². तो यहाँ 0.1 P² में से आ जाएगा आपके फैक्टर 0.1 P एंड P, और 0.2 के फैक्टर बन जाएंगे 0.2 Q एंड Q। तो दीज आर द फैक्टर्स एंड टर्म्स, और डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाले हैं आपके क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करेंगे।